हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं। सॉरी जी, आप लोगों को वेट करना पड़ा। आई नो कि आप पहले भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन नहीं हो पा रहा था। देयर वाज सम टेक्निकल इशू जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। और अब हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी 10 मिनट भी वेट कर लिए ताकि बाकी के लोग भी हमें कनेक्ट कर लें, साथ साथ लोग हमें ज्वाइन करते जाएंगे। अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। फेसबुक प्रमोशन पे हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक छोटी सी दुआ से स्टार्ट करते हैं जी। रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हम सबके इल्म में इजाफा करें। टॉपिक है हमारा फेसबुक प्रमोशंस। सुबह के सेशन के अंदर हमने देखा था कि आप अपना फेसबुक का पेज कैसे बना सकते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी फेसबुक की जो आप पेज की बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाए। उसके बाद हमने देखा था कि फेसबुक का फायदा हासिल करने के लिए हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो कॉन्टेंट है उसका एक प्लान होना चाहिए। वो जो प्लान है वो कैसे हो सकता है और उसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब मजीद अपने फेसबुक के बिजनेस पेज को रनिंग में लाने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करनी है उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आप इनको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। एक और सेशन में कंडक्ट करूंगा फिर इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपको मैं गाइड करूंगा कि आप इस कंटेंट को आप बना कैसे सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि आपने डिस्कस क्या करना है, यानी कि आपने अपडेट क्या करना है, फिर आपने वो जो अपडेट करनी है अपनी पोस्ट उसको बनाना कैसे है। बनाने के लिए हम बाद में एक और सेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने करना क्या है इन चीजों पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है जी, मैं आप लोगों के साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ और जैसे ही आपको विजिबल होगी मुझे आप काइंडली कमेंट्स के अंदर कंफर्म कर दीजिएगा कि आप जब स्क्रीन को देख पाएंगे। जी मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा अगर आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं विजिबल, आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते स्क्रीन को। जी थैंक यू वेरी मच मैम शाजिया, थैंक यू वेरी मच मैम जीहा, मैम सादिया, मैम जकिया, मैम फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका मैम हमारा। थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मेशन। आप स्क्रीन को देख सकते हैं, इसका मतलब है जी। अब वंस अगेन आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ, जो पॉइंट्स आपको नहीं पता उनको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ सुबह वाली ट्रेनिंग की कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि मिसिंग होती हैं एट टाइम्स और आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो फेसबुक प्रमोशन को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि फेसबुक में होता क्या है। सबसे पहले जी हमें पर्पस पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। आपके पास फेसबुक आप कब से यूज करते हुए आ रहे हैं इसका आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मोस्टली लोग फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई है लोगों की, फेसबुक का अकाउंट लोगों का पहले से बना हुआ है। ठीक है जी, मेजोरिटी लोगों का बना होता है फेसबुक का अकाउंट, इसे हम प्रोफाइल कहते हैं। जो बिजनेस पेज हमने सुबह बनाना सीखा है उसको हम कहते हैं पेज या बिजनेस पेज। ठीक है, उसका पर्पस डिफरेंट होता है, आपकी प्रोफाइल का डिफरेंट होता है। वो पर्पस डिफरेंट क्या होता है? अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपके जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो चीज आप कर रहे होते हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर। आप क्या करते हैं जी, आप जाते हैं अपने फेसबुक को लॉग इन करते हैं, आप वहां से डिटेल्स को देखते हैं। डिटेल्स को देखने के बाद जो उनसे आप कॉन्टेक्ट करते हैं, लोगों को देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अपडेट चल रही है, आप उनसे बातचीत करते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। बेसिकली आप नेटवर्किंग कर रहे होते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, नए से नए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ गई, आपने रिक्वेस्ट भेज दी, फिर आपके पास वो जो अपडेट करते हैं आपके पास उसकी विजिबिलिटी आती है और इसी चीज के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है। और दिस इज द पर्पस जो कि एक जोन सा है वो शो करते हैं। मैम आसमा आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, बाकी सबको स्क्रीन नजर आ रही है, मुझे उन्होंने कंफर्म किया है। तो मैम आसमा नसीम आप एक काम कीजिए, अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को लेफ्ट एंड राइट की तरफ मूव कीजिएगा, आपको भी स्क्रीन नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, लेफ्ट एंड राइट अपनी स्क्रीन को मूव करें अपने जूम की, आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा हम बात करते हैं प्रोफाइल की। आपको पता चल गया कि हम लोग जोन से हैं। अच्छा आप लोगों को नहीं नजर आ रही, मैम साइमा भी कह रही है उनको नहीं नजर आ रही, क्या किसी को नजर आ भी रही है स्क्रीन? आ रही है, इसका मतलब है मेजोरिटी को नजर आ रही है। आप एक काम करें, जिनको नहीं नजर आ रही अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को लेफ्ट एंड राइट मूव करके देखें, आपको नजर आएगी फिर। ठीक है, आपके मोबाइल फोन में इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज हुई होती है, स्क्रीन बाजू का मूव हो जाती है, आप उसके ऊपर क्लिक करके देखें, आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि अगर मेरे एंड पे डिस्प्ले नहीं हो रही होगी तो किसी को भी नजर नहीं आएगी। ठीक है जी, लिहाजा आप थोड़ी सेटिंग अपनी सेट करने की कोशिश करें। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको नहीं भी स्क्रीन आती उसको नोट करने की कोशिश करें। अभी फिलहाल मैं स्क्रीन पे आपको ऐसा कोई चीज दिखा नहीं रहा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही है जी। दोबारा ट्राई करके देखें, आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करें प्रोफाइल की। प्रोफाइल नेटवर्किंग के लिए होती है, आप फ्रेंड्स बनाते हैं अपने और आप नए से नए लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इसी तरह आप अपनी अपडेट्स भी जो उनसे है वो शेयर कर रहे होते हैं लोगों के साथ। पेज जो होता है ना वो बिजनेस के लिए बनाया जाता है। पेज एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम में लोगों की वेबसाइट होना हो बिजनेस के लिए, उनका फेसबुक का पेज जरूर होता है, क्योंकि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और इससे आप ज्यादा लेवल के ऊपर ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे हो सकता है लिमिटेड लोग आए, लेकिन आपके बिजनेस पेज के ऊपर अगर फेसबुक से रेलेवेंट है, आपके पास जितने कॉन्टेक्ट होते हैं एटलीस्ट वो आप उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं बिजनेस पेज के बारे में। ठीक हो गया जी। तो बिजनेस पेज के ऊपर जो आप काम करते हैं वो ये होता है कि आप लोगों को क्यूरियस करते हैं और उनके साथ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि आपके बिजनेस से कनेक्टेड होती है। ठीक है जी, वंस अगेन नेटवर्किंग, फ्रेंडशिप, अपडेट, लाइफ में क्या चल रहा है वो प्रोफाइल पे, और बिजनेस रिलेटेड टॉक, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में क्यूरियस करना, अपॉर्चुनिटी बताना, टिप्स शेयर करना। ठीक है, ये चीजें आप अपने बिजनेस पेज के ऊपर कर सकते हैं। आगे चल के थोड़ी सी मजीद डिटेल्स देखते हैं जी हम। देखिएगा यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ चीजें देखी थी आज कि हमने क्या क्या फिल करना है अपना पेज बनाते हुए, ये उसी के हवाले से कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ ये लिखा हुआ है कि हमने बेसिकली अपनी डिटेल अपडेट करने के बाद अपने पेज को रनिंग में लेके आना, वो रनिंग में कैसे लेके आना है और क्या क्या चीजें अपडेट करनी है और उसको एक्सपैंड कैसे करना है, उसकी हम डिटेल जो है वो डिस्कस करने के लिए आप जा रहे हैं। फेसबुक का जो आप पेज बनाते हैं उसके अंदर आपका जो बिजनेस गोल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो मैटर करता है आप जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं। फिर आप अपना कंटेंट मिक्स बनाते हैं। कंटेंट मिक्स कहते हैं वो पोस्ट जो आप अपडेट कर रहे होते हैं, ज्यादा लोगों को एंगेज करते हैं, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचते हैं और अपनी लीड्स को जनरेट करते हैं। मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिजनेस गोल वो पर्पज है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो मकसद आपके पेज बनाने का जो है, कंटेंट मिक्स पोस्ट को कहते हैं। उसके बाद आप जो एंगेज कर रहे होते हैं, रीच कर रहे होते हैं, वो आप बूस्टिंग और एडवर्टाइजिंग के थ्रू नए लोगों को रीच कर रहे होते हैं, यानी कि उन तक अपना पैगाम पहुंचा रहे होते हैं। फिर आ जाती है लीड जनरेशन, और इन्हीं में से आपकी लीड जनरेट होती है। आपको आपके कंज्यूमर मिलते हैं, आपको आपके बिजनेस पर्सन मिलते हैं, आप नए लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट एज पर माई नॉलेज हमारे पास मेजोरिटी में इस टाइम जो मेरे यूटिलिटी के अंदर लीडर्स हैं उनमें मेजोरिटी में जो लोगों की टीम डेवलप हुई हुई है वो फेसबुक के थ्रू हुई हुई है। लोगों की स्प्लिट्स डेवलप होती हैं, स्प्लिट्स निकलती हैं इसके थ्रू, लोगों को इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अगर वो सही तरीके से काम कर रहे होते हैं तो फेसबुक का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये देखिएगा यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। 80-20 याद रखें आप, बाकी चीजों को भूल जाए, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फेसबुक के ऊपर बात करते हैं बिजनेस पेज के ऊपर, खाली बिजनेस की कभी भी बात नहीं करते, आपने लोगों की बात करनी है। आपने कोशिश करनी है कि 80% आप जो अपने फेसबुक पे पोस्ट अपडेट कर रहे हैं ओवरऑल वो आपकी लोगों को एजुकेट करने के बारे में हो, इंगेजिंग कंटेंट हो, उसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद हो, इस तरह की चीजें आपने शेयर करने की कोशिश की है। ठीक हो गया। सिर्फ 20% जो उनसी है वो आपने अपनी ब्रांड और आपने अपनी कंपनी की बात करनी है। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको इतना 80-20 का रूल याद रहेगा। 20% कॉल टू एक्शन है, 20% आपका बिजनेस है, 80% लोगों को एंगेज करना है, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। ठीक है, आगे चल के मजीद थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं जी। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपके फेसबुक के पेज के लिए आप समझ ले गोल्डन रूल्स हैं। इनमें सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो है कि आपने किसी भी दूसरे पेज से आर्टिकल्स कॉपीराइट वाले आपने शेयर नहीं करने, उठा के कोई पोस्ट है किसी की वो उठा के आपने नहीं शेयर करनी। आपने अपनी पोस्ट बना के शेयर करने की कोशिश की है। ठीक हो गया जी। फिर जो हम कैटलॉग जोन से हैं उसके स्क्रीनशॉट्स जोन से हैं वो शेयर कर रहे होते हैं फेसबुक के पेज के ऊपर, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। आप उसका लिंक भेज सकते हैं, आप हाई डेफिशिएंसी इमेजेस हमारी सोशल मीडिया लाइब्रेरी से उठा के आगे शेयर कर सकते हैं। हमेशा उसका कॉन्टेक्ट जोन है वो, उसका जो कॉन्टेक्ट है उसकी ओरिजिन के साथ जहां से आपको परमिशन मिलती है उस सोर्स को यूज आपने करना है। कहीं से कॉपी पेस्ट करके इमेजेस नहीं पेस्ट करी जाने। ये पोस्ट शेयर करना नहीं होता कि मैंने एक की पोस्ट उठाई कॉपीराइट वाली और मैंने आगे जोन से उसको शेयर कर दिया, आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद जब आप कोई पोस्ट अपनी बनाते हैं, कोई अपडेट बनाते हैं, कोई आप बिजनेस के बारे में डिटेल्स भेज रहे हैं, अपनी कोई पोस्ट बना रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं पढ़ते। ये बिल्कुल इसी तरह है। ये सारा अगर आपको मैं पढ़ के बताऊं तो आपको ना मैं सही तरह एक्सप्लेन कर सकूंगा ना आपको समझ आएगी अगर आप खुद पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने इस पूरे पेज का जो मतलब है वो आपके साथ वर्बली शेयर कर दिया है। फेसबुक के ऊपर आप वर्बली नहीं शेयर कर सकते, लिहाजा फोटोज प्रायोरिटी होती है। ये गोल्डन रूल्स है, इनको आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम बात करें कि आपके कंटेंट प्लान जो आप बना रहे होंगे इसकी स्ट्रेटजी क्या है। फेसबुक पे आप क्या क्या अपडेट करते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये स्लाइड आपको इस चीज के बारे में गाइड करेगी कि आपने कंटेंट प्लान अपना कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम फेसबुक पे अपडेट क्या क्या करते हैं। आप अपने फेसबुक पे किस तरह की पोस्ट देख रहे होते हैं। कुछ पिक्चर्स होती हैं उनमें, कुछ वीडियोज होती हैं और कुछ लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट्स होते हैं। आप भी यही तीन चीजें कर सकते हैं। फोटोज अपडेट कर सकते हैं, वीडियोस अपडेट कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं, लाइव इवेंट्स कर सकते हैं। मैंने आपको कल सिखाया है कि आप किस तरीके से लाइव फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और इसके अलावा जूम के ऊपर अपने कैसे सेशन जोन से वो कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने इसका आपको डेमो प्रोवाइड किया था कल की। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये तीन पोस्ट अगर आपने करनी है, इनमें आप किस तरह का कॉन्टेंट ऐड कर सकते हैं। फोटोज किस तरह की हो सकती है, पोस्ट कैसे, आप वीडियोस कैसे कर सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस में क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर आफ्टर इमेजेस। आप प्रोडक्ट का रिजल्ट से पहले क्या प्रॉब्लम थी और बाद में क्या इंप्रूवमेंट आई वो शेयर कर सकते हैं। स्टेप 1 की ट्रेनिंग में हम सीख चुके हैं कि इसमें हमने फॉल्स इमेजेस नहीं डालने, हमने सही इमेजेस डालने हैं। कैटलॉग आप शेयर कर सकते हैं। आप एक जो हमारे पास PDF है इसका, उसकी डिटेल्स, उसका लिंक और ये चीजें आप शेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट की आप सक्सेस टेस्टिमनीज आप शेयर कर सकते हैं। आपके वो कंज्यूमर जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है उनकी छोटी सी वीडियो डाल के अपडेट कर सकते हैं। आप छोटी छोटी ट्रेनिंग्स, छोटी छोटी टिप्स की वीडियोस अपडेट कर सकते हैं। इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप एक इवेंट बना सकते हैं, ले जी अब मैं अपनी फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने के लिए जा रही हूँ, फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन। स्केड्यूल किया, एडवर्टाइज किया, लोगों को बताया और आप बता सकते हैं कि मैं लाइव आके आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि हमारे पास नई प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, उनके बेनिफिट्स क्या और क्यों हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। अगर आपको हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्नी का सोल्यूशन है तो वो क्यों है, ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक्नी को एड्रेस करते हैं। आप इसके बारे में एक सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। नॉलेज हासिल करके फिर आप आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिमेंबर कि आप एडवाइजर हैं, आप लोग कंसल्टेंट हैं, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करें। ऐसी चीजों में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। आपने क्या चीज अचीव की है, आप इस चीज के बारे में देख सकते हैं। आपने देखा होगा जब किसी को कोई नई जॉब मिलती है, जब कोई प्रमोट होता है, जब भी कोई ऐसी नई गुड न्यूज होती है तो लोग फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये वो चीजें हैं अपनी अचीवमेंट्स जो कि आप अपडेट कर सकते हैं अपने फेसबुक के ऊपर। इसके अलावा लिस्टिकल्स हैं। लोगों को लिस्टिकल्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मुझे खुद भी बड़ा इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बताए कि आजकल के टॉप 5 मूवीज कौन सी हैं, टॉप 5 स्पीच कौन सी है, टॉप 5 वीडियोस कौन सी हैं, टॉप 5 फ्रेग्रेंसेस कौन सी हैं, टॉप 5 दुनिया के अमीर तरीन लोग कौन से हैं, इन्हें लिस्टिकल्स कहते हैं। लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आप लाइव इवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि जो आप काम कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट के ऊपर, किस तरह का कॉन्टेंट बनाना है। पिक्चर्स, वीडियोज, लाइव स्ट्रीमिंग के अंडर आप ये सब चीजें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास गुड और बैड एग्जांपल है पोस्ट की। एक वो फोटो लगी हुई है लेफ्ट साइड के ऊपर जहां पे कैटलॉग के 2 इमेजेस, राइट साइड के ऊपर कल्चर दिखाया जा रहा है कि लोग ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट को कैसे पसंद करते हैं और ओरिफ्लेम में लाइफस्टाइल कैसा है। और एक जो दरमियान में फोटो आ रही है आपको नजर रिव्यू दिया जा रहा है कैटलॉग का। अगर आप लोग कैटलॉग को जो सा है वो शेयर करते हैं या आप कैटलॉग को हाथ में पकड़ के कुछ प्रोडक्ट का रिव्यूज देते हैं, तो जब आप लाइव रिव्यू दे रहे होते हैं ना प्रोडक्ट्स का, वो हमेशा ज्यादा बेहतर होता है, उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सो दिस इज अ गुड एग्जांपल एंड अ बैड एग्जांपल। इसी तरह ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के अंदर जब आप लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स बताते हैं, आप लोगों को जब ये बताते हैं कि ऑरिफ्लेम के अंदर आपको ये मिलता है, इतना काम करते हैं, इतनी इनकम आप हासिल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट फेसबुक के ऊपर तब आएगा जब आप रिजल्ट दिखा रहे होंगे, जब आप लाइफस्टाइल दिखा रहे होंगे। पॉइंट नोट कीजिएगा, आपने लोगों को बताना नहीं है कि क्या मिलेगा, आपने उनको दिखाना है। जो वैल्यू ऐड हो रही है आपने उसके ऊपर फोकस रखना है, ताकि उनको पता चले कि लाइफस्टाइल कैसा है, लोग अचीव कर रहे हैं, लोग सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं और लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट भी आती है। फोटोज के साथ कैप्शन ऐड करें और फोटोज अपनी ओरिजिनल ऐड करें। ठीक है, अपनी टीम की कर लें, अपने नेटवर्क की कर लें, अगर आप भी नहीं है, आपके पास अपनी नहीं है। ठीक है, इन चीजों का आपको इम्पैक्ट मिलेगा और इन्हीं का आपको इम्पैक्ट, आपको रिजल्ट मिलेगा बेसिकली। फिर वंस अगेन आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, जब आप किसी को रिकग्नाइज करते हैं आप उसकी खाली फोटो लगा देते हैं और अगर आप लिखते हैं कि ये मेरे पास एक लीडर है जिसने 3% टाइटल को अचीव किया है या 9% को या 6% को, तो लोगों को जो बाकी के देख रहे हैं, रिमेंबर एप्रिशिएट आप कर रहे हैं अपने टीम मेंबर को, दैट इज अमेजिंग, आपको करना भी चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप 3% क्या है या 9% क्या है या 6% क्या है। आपने उनको रिजल्ट दिखाना है कि इनको मिला क्या है। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9 वाले को क्या मिलता है, पिन मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, रिकग्निशन होती है, उसकी फोटोज लगाएं आप। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट करें उनको इस चीज के ऊपर। पोस्ट सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है आपके पास जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स ने अपना टारगेट सेट किया कि 6 महीने में उसने इस टाइटल को अचीव करना है, तो आप ये बता सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द राइट पाथ टू अचीव योर 1 लाख कैश प्राइस। आप समझ रहे हैं, एक शख्स 3% से अगले 3-4 माह में काम करता हुआ, बिजनेस को एक्सपेंड करता हुआ, सीखता सिखाता हुआ, वो 12% पे आ जाता है। मींस कि उसके पास पोटेंशियल है कि वो 21% पे भी जाए, वो बड़ा लीडर भी बन सके। तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे रिवॉर्ड क्या है, ताकि लोगों को जिनको आप दिखा रहे हैं, खाली उनके लिए पोस्ट नहीं है ये, दिस इज टू एडवर्टाइज बेसिकली, बाकी लोगों को पता चले कि क्या फायदा होने वाला है, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, जब आप रेगुलर हो जाते हैं अपने कंटेंट के अंदर, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जब आप उनको रेगुलरली अपडेट करना शुरू कर देते हैं, आप बेसिक्स को समझ जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, मुझे ज्यादा लोग चाहिए। आप सबको इस चीज के बारे में पता है, हम ट्रेनिंग में कैलकुलेट कर चुके हैं अपनी, कि अगर आप 21% पे और आपके पास 3 और 5% वाले आपके पास नए लोग आते हैं, सॉरी आपके पास 3 और 6% वाले नए लोग आते हैं, तो आपको 5,000 से 8,000 रुपया आपको इनकम मिल रही होती है उनसे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, लिहाजा सिर्फ 20 लोग भी अगर आपके पास आ जाते हैं, सिर्फ 20 लोग भी आपके पास आ जाते हैं, तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए के आसपास हो जाती है, 3 और 6% वाले आ जाते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड यू आर 21% और आपकी ऑलरेडी 50, 60, 70,000 तो वैसे इनकम होगी, तो आपकी एडिशनल इनकम ऐड होती जाती है। लिहाजा वो लोग जो इस चीज को समझ जाते हैं, वो कहते हैं मुझे नए लोगों को टारगेट करना है, मेरे नेटवर्क के अंदर काफी ज्यादा लोगों को पता चल गया और मैंने अपना कंटेंट सही तरह अपडेट भी कर रहा हूँ, मैंने अपना एक कंटेंट कैलेंडर बनाया हुआ है, मैं वीकली बेसिस के ऊपर 3-4 दफा अपनी पोस्ट अपडेट करता हूँ और स्टैंडर्ड्स को मैंने मेंटेन किया हुआ है, मेरे पास लाइक्स भी अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो उनसे मैं एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ, मैं प्रॉपर बिजनेस करना चाह रहा हूँ। अब हम बात करने लगे हैं उस ऑप्शन की जिसके जरिए आप लोग नए लोगों को टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह की ऑप्शन जैसे एड टाइम्स आपको अपने फेसबुक के पेज के ऊपर बहुत सारे नए ऐड नजर आ रहे होते हैं, फूड की ऑप्शन नजर आ रही होती है, कपड़ों की ऑप्शन नजर आ रही होती है, मुख्तलिफ सेल्स जो लगाई होती है मुख्तलिफ कंपनीज ने, वो आपके स्क्रीन पे आ रही होती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो एडवर्टाइज करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना मंथली बजट सेट करें। जब आप अपना मंथली बजट सेट करेंगे तो उसमें सबसे पहली दफा जब आप कर रहे होंगे तो सबसे कम बजट रखिए अपना, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में आप सीखेंगे कुछ, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे। इन चीजों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कि जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप फरवरी 20 एक एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे कि फरवरी में आप जो उनसा है 2021 कह रहे हैं, बेशक आप इसको कि आपने अपना बजट रखा 3,000 रुपए का। आप जो फरवरी 2021 है इसमें आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे 2020 लिखा गया गलती से 2021 है बेसिकली जिसकी एग्जाम्पल है कि 2021 के अंदर आप 3,000 रुपए का अपना बजट सेलेक्ट करते हैं कि मैंने नए लोगों को टारगेट करना है, मैं चाह रहा हूँ मेरी एक्सपेंशन हो। आपने 3,000 रुपए का बजट किया सिलेक्ट, अब आपको उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। वो 3 हिस्से ये हैं, सबसे पहले आपने अपने पेज को प्रमोट करना है, फिर आपने पोस्ट को बूस्ट करना है, और तीसरा फिर आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को एडवर्टाइज करना है। आपने इन तीनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है। बहुत से लोग खाली बूस्टिंग करते रहते हैं, एट टाइम्स उनको रिजल्ट मिलता है, एट टाइम्स नहीं मिलता। फिर बूस्टिंग जब आप करते हैं तो आपने लोगों को हैंडल कैसे करना है, क्या वो लोग जो लाइक्स कर रहे हैं, वो लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, क्या आप उनको अप्रोच कर रहे हैं दोबारा या नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे आपके जो लोग कांटेक्ट में आते हैं ना, ये आपकी लीड्स कहलाती है, ये आपके पोटेंशियल आज के नहीं तो कल के पोटेंशियल कंज्यूमर, कस्टमर और बिजनेस। लिहाजा पेज को प्रमोट करना भी जरूरी है, बूस्टिंग करना भी जरूरी है आपकी पोस्ट की, और साथ साथ आपका मैसेज एडवर्टाइज करना जरूरी है। इन तीनों चीजों का पर्पज अलग अलग है। जैसे जब आप पेज प्रमोट करते हैं आप 500 रुपया मंथ का इस पे स्पेंड करते हैं, आपको 500, आपको इसके ऊपर 200, 250, 150 डिफरेंट लाइक्स आ जाते हैं, आपके पेज के लाइक्स इंक्रीज होते हैं। लाइक्स इंक्रीज करने से आपके पेज की ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, आपका पेज ज्यादा हाई रेटिंग पे जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका पर्पस की, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इंगेजमेंट ज्यादा होती है लोगों की, लोग ज्यादा ऑथेंटिक हो रहे हैं। पोस्ट को बूस्ट करना टोटली डिफरेंट थिंग है। पोस्ट को बूस्ट करने का अलग फायदा है, इससे आपकी विजिबिलिटी क्रिएट होती है। पोस्ट को बूस्ट करने का मतलब यह है कि आप लोगों को एंगेज कर रहे हैं, अपनी विजिबिलिटी जो उनसी है वो क्रिएट कर रहे हैं। 2-3 दफा जब लोग नाम सुनते हैं, आपकी ब्रांड का नाम देखते हैं, तो उनको नाम फेमिलियर लगने लग जाता है। तो पोस्ट को बूस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 500 रुपए का बजट रखते हैं, आप 3,000 से 9,000 लोगों तक अपना पैगाम या अपनी पोस्ट को पहुंचा सकते हैं बूस्ट करके। तीसरी चीज आ जाती है एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट का आपका मैक्सिमम बजट होना चाहिए क्योंकि इसका रिजल्ट भी मैक्सिमम होता है। पहली जो 2 ऑप्शंस हमने देखी है ना, पेज को प्रमोट करना और पोस्ट को बूस्ट करना, इससे कभी कभी बल्कि बहुत से लोगों को इससे मिल भी जाते हैं नई लीड्स, नए कंज्यूमर मिल जाते हैं, नए कस्टमर मिल जाते हैं, नए ब्रांड पार्टनर्स मिल जाते हैं, बिजनेस पर्सन मिल जाते हैं, लेकिन इसका पर्पज ये नहीं है, इम्पैक्ट कम है इसका। असल जो इम्पैक्ट है वो है एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट जब आप करते हैं उसके जरिए आपको असल में रिजल्ट मिलता है। अगर लेट्स से आप 2,000 रुपए का बजट लगा रहे हैं, आप 15,000 से 30-40,000 तक लोगों को अपने पैगाम पहुंचा सकते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये अगर मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, दिस इज ओल्ड, अभी रेट थोड़े चेंज हो गए, 4,000 से 5,000 आपका लग जाएगा इतने लोगों को टारगेट करने में, ठीक है, लेकिन ये मैसिव है। आपको इससे भी कम अगर आप कर सकते हैं तो आप करने की कोशिश कीजिएगा। फेसबुक के जो एड्स होते हैं, असल जो लीड्स और आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है वो इनके जरिए होता है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, इसमें जो एरर्स हैं उनको छोड़ दीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट लर्निंग पर्पस के लिए आप ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने 3 एरियाज के ऊपर काम करना और तीनों का मकसद डिफरेंट है। जब आप इन 3 एरियाज पे काम करेंगे फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा आपके फेसबुक का। सही, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि आप सर्टन लोगों को टारगेट करके कुछ लोग आपको सिर्फ मिलते हैं जो कि आपके एड की प्राइस, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिसाब किताब दिखाने लगा हूँ, जरा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, ये देखिएगा, ये आपका बजट है। आपने 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक, फिर मैं आपको साथ इसका हिसाब किताब भी बताता हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे मिलता है। जब आप पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं और एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका बजट क्या है, कम से कम रखें उसको, ठीक हो गया। दूसरी चीज कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या आप हाउसवाइफ्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, रिटायर्ड लोगों को, या आप सबको टारगेट कर रहे हैं। बेहतर जो टारगेट मार्केटिंग होती है, अगर आप ओवरऑल सबके लिए एक ही मैसेज बना देंगे तो उसका शायद आपको वैसे रिजल्ट ना मिले। ये हमें स्टडी बताती है, मार्केटिंग बताती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बताती है कि आप हमेशा जब ऑडियंस स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हैं उसका बेहतर रिजल्ट होता है। लिहाजा अपनी टारगेट ऑडियंस करें, फिर उनके मुताबिक कंटेंट डेवलप करें अपना। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि हाउसवाइफ के लिए आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। एक हाउसवाइफ की लाइफ को थोड़ा सा देखें कैसे गुजरती है, फिर आप देखें कि एक हाउसवाइफ के लिए जो कि मोस्टली अपना टाइम घर में स्पेंड कर रही है, क्या चीज अट्रैक्टिव हो सकती है उसके लिए, कोई ऐसी चीज जो कि उसको बाहर की दुनिया देखने की अपॉर्चुनिटी दे, कोई ऐसी चीज जो कि उसको इस काबिल कर दे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जरूरियात को खुद वो सपोर्ट कर सके। ये बड़ी ऑनर की बात है और इसके लिए उनको बाहर भी ना जाना पड़े। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जो उनसी हैं, ये आपने आइडियाज लेके फिर अपने कंटेंट को डेवलप करना। और फिर आपने उसको एडवर्टाइज करना है। बिफोर यू एडवर्टाइज आपने इन तीन चीजों को बड़ा क्लियर रखना है, अपना ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं रिटायर्ड लोग, ठीक है, रिटायर्ड लोग एक सारी जिंदगी अपनी मेहनत करके जो उनसे अपना रिटायरमेंट का टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन दे हैव टू कीप देमसेल्फ बिजी एज वेल। फिर आप उनको बता सकते हैं कि आप फ्री टाइम में विदाउट एनी प्रेशर, सिर्फ रिकमेंडेशन की बेस के ऊपर आप कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं और आप एक बड़े अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी अटैच हो सकते हैं जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ दैट इज समथिंग के जो कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट में चेंज करते रहते हैं। इसके बाद जरा देखिएगा होता क्या एडवर्टीजमेंट का, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको जरा देखें। यहाँ पे जो आपको एक फ्लो चार्ट सा नजर आ रहा है बना हुआ, होता क्या है? जब आप 5,000 रुपया खर्च कर देते हैं, जैसे आपने 5,000 रुपया खर्च किया, एडवर्टाइज कर दिया, आपने 20,000 लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा दिया। उन 20,000 लोगों में से सिर्फ 250 लोग, ठीक है, 20,000 लोगों में से सिर्फ 250 लोग यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1% लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया। और ऐसा ही होता है, जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो हो सकता है वो आपको थम्स अप दें, हो सकता है डिसलाइक करें आपकी पोस्ट को, आपके एडवर्टीजमेंट को, हो सकता है वो इंटरेस्ट शो करें, हो सकता है वो आपको इनबॉक्स में मैसेज कर दें, हो सकता है वो आपसे मजीद डिटेल्स हासिल करना चाहें। तकरीबन 250 लोग आपको अप्रोक्सीमेटली टच करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रिक्रूट्स, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये 250 में से ना सिर्फ 50 लोग ऐसे होंगे, यानी कि जरा सोचें 20,000 लोगों को टारगेट किया नए, उनमें से सिर्फ 50 लोग आपके रिक्रूट बन सकते हैं, यानी कि कोई एक आधा ऑर्डर दे दिया उन्होंने, ठीक है, कोई इस चीज में इंटरेस्ट हो गया। 20,000 में से सिर्फ 50, फिर उन 50 में से भी जो आपके क्वालिफाइड रिक्रूट बनते हैं, जो कि वेलकम प्रोग्राम हमारा जो सा सेल्स एक्शन जिसको हम कहते थे, वो वेलकम प्रोग्राम दूसरे को क्वालिफाई कर जाते हैं, 100 BP कर जाते हैं क्वालिफाइड रिक्रूट का मतलब, या 30 ओनली। उन 30 में से भी सिर्फ 10 लोग ऐसे होते हैं जो कि आगे बिजनेस के बारे में सीरियस होते हैं। सर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आपने पैसे कितने खर्च किए थे? 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 आपने खर्च कर दिए। लोग कितने आपने टारगेट किए? 20,000, आए कितने? सिर्फ 250। तो कट शॉर्ट आपको जो रिजल्ट मिला वो 250 का मिला, स्पेंड किए थे 5,000। 5,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 250 पे तो हमें मिलता है जी 20 रुपए हमारी कॉस्ट आती है। मतलब ये जो 250 लोग हैं हमारे पास, हमें पर बंदे ने जो कॉस्ट किया है वो 20 रुपए है। तो जरा सोचें कि आपने 250 लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना हो सके जो कि इंटरेस्टेड हो, पर बंदा 20 रुपए, कॉस्ट तो बहुत थोड़ी है। आपका तो अगर ट्रैवल के ऊपर ही कितने पैसे लग जाएंगे, फिर आपने अगर उनके साथ बातचीत करनी है, उनको इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपको कई अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती है, कई कॉल्स करनी पड़ती है, ठीक है, या आपको रिक्रूट होके वो जो क्रीम लोग थे 20,000 में से जो कि इंटरेस्टेड थे आपकी अपॉर्चुनिटी में, वो मिल गए और पर बंदे की कॉस्ट आपको 20 रुपए आई है। तो देखें कि आपका कितना अच्छा जो उनसे वो रिजल्ट आपको मिल रहा है इस चीज का। इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने 5,000 रुपया लगाया और आपको रिटर्न में क्या आया। अगर आपको इस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसी वॉयलेशन की हुई है चीज की, बेसिक रूल्स की, जिसकी वजह से आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, या आपका कंटेंट अट्रैक्टिव नहीं है। फिर आप कंटेंट को अट्रैक्टिव करने पे आपको पता चलता है मेरा वीक एरिया है, लिहाजा आपने इस रिजल्ट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना। ठीक हो गया जी, ये देखिएगा जी। अब हम आगे चल के बल्कि बात करते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की, बाकी की हम जो चीजें देखेंगे वो बाद में देखेंगे। एक डिफरेंस आप जानना चाह रहे थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ बस, बाकी हम बाद में देखेंगे चीजों को। और अभी हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन कहाँ पे होती है। फेसबुक एडवर्टीजमेंट और बूस्टिंग का फर्क क्या होता है, जरा इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं जो पोस्ट बूस्ट करते हैं ना आप, सबसे पहले आपको उसको अपडेट करना पड़ता है अपने पेज के ऊपर, सबको नजर आती है वो पोस्ट, और फिर आप उसको बूस्ट करते हैं। आपके पास उसकी ऑप्शन बॉटम पे भी आ रही होती है पोस्ट की, अगर आपने बूस्ट करना है। इसका जो पर्पस होता है ना वो ये नहीं होता कि ये आपको लीड्स प्रोवाइड करे, यानी कि आपके कस्टमर डेवलप करे। इसका पर्पस ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी ज्यादा करे, लोगों को इंगेज कर सके, ये पर्पस है बूस्टिंग का। अगर आपने कोर पर्पस अपना हासिल करना है जो कि सेलिंग और साथ जोन से आपका टीम मेकिंग है, तो वो आपको एडवर्टीजमेंट से मिलता है। एडवर्टीजमेंट सिर्फ रन करने के लिए आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट अकाउंट होना जरूरी है, एक आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद जोन सा है, आप लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को सिर्फ अपनी पोस्ट दिखा सकते हैं, आपको पेज पे अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद फेसबुक का जो आपका एडवर्टीजमेंट का आपका ये टूल है, ये आपको बहुत ही एफिशिएंट वे के अंदर रिजल्ट्स दिखाता है आपको कि आपके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, आपको लीड्स के कॉन्टैक्ट्स, इनबॉक्स में मैसेज करना चाहें, कि सब ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो लिहाजा रिमेंबर बूस्टिंग इज समथिंग एल्स और एडवर्टीजमेंट इज समथिंग एल्स। रिजल्ट हमेशा कब मिलता है, जब आप तीनों चीजों को फॉलो करें, पेज को भी आप प्रमोट करें, बूस्ट भी करें, विजिबिलिटी एंगेजमेंट क्रिएट करें, और फिर एडवर्टीजमेंट करें जिससे आपकी लीड जनरेशन होती है। अब हम सिर्फ इसको ब्रीफली ऑप्शंस को देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये सारा का सारा अमल करके नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन जितना मैक्सिमम दिखा सकता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों के साथ दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा देखिएगा। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूं जी थोड़ी सी डिटेल्स को। ये देखिएगा जी, फेसबुक अकाउंट हमने लॉगिन किया जी। सबसे पहले आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, फेसबुक अकाउंट हमने लॉगिन किया। फेसबुक का अकाउंट लॉगिन करने के बाद हमने क्या किया है जी, ये काम कि हम आ गए हैं प्लस के साइन के ऊपर जहां से हमने पेज बनाया था। यहाँ पे जरा देखिएगा, हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है फेसबुक एडवर्टीजमेंट। अगर आप सिंपली इस पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से आपका अकाउंट जो उनसे है वो बनाने की आपको ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं, नए मैसेज भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, आपको पता है कि अजान का टाइम है, तो विद योर परमिशन मैं 2 मिनट की सिर्फ ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इसको रिज्यूम करते हैं आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का। आगे लेके जाके इस डेमो को देखते हैं हम कि कैसे हमारे पास ऑप्शन आती है पेज को प्रमोट करने की और बाकी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे जब प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, वंस अगेन आपको दिखा रहा हूँ, प्लस के साइन पे आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन आती है। अब यहाँ पे जब हम एडवर्टाइज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये वाली विंडो आ जाती है, चूज अ गोल। आप करना क्या चाह रहे हैं, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, इसके ऊपर आप जाना चाह रहे हैं, या आप जो है बेसिकली वेबसाइट पे ज्यादा विजिटर लेना चाह रहे हैं, पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं, ज्यादा मैसेजेस आप हासिल करना चाह रहे हैं, अपने पेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या आप लीड्स को ज्यादा जनरेट करना चाह रहे हैं। जो एडवर्टीजमेंट की मैंने अभी आपको बात बताई है, उसका पर्पज जो है दैट इज लीड जनरेशन, आपके बिजनेस के साथ लोगों को कनेक्ट करके लाना। तो आप जो बात कर रहे होते हैं वो यहाँ से आप बेसिकली कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं पोस्ट को बूस्ट करने की बात करता हूँ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है बूस्ट पोस्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑप्शन आ रही थी, ये मेरे पास 22 अगस्त की पोस्ट अपडेटेड है, मैं इस पे बूस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए हैं, मैं इनको एक्सेप्ट करके तो मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आगे नहीं विंडो जाएगी। ठीक है। अब मैं लेट्स से आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये सिर्फ विंडो ओपन किया, जरा देखिएगा आप और से अभी इंफॉर्मेशन को। जब ये वाली पोस्ट को आप बूस्ट कर रहे होते हैं, पॉइंट्स नोट कीजिएगा क्योंकि मैं बूस्ट करने के लिए नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये एक फोटो है जिसको मैं बूस्ट करना चाह रहा हूँ, आप अपनी मर्जी की फोटो लगाएं, ठीक है। उसके बाद जो उनसा है लीड जनरेशन का मतलब मैं आपको बताया था मैम नौशीन, जब आपको लोग आके मिलते हैं, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करते हैं, वो पोटेंशियली आपके रिक्रूट्स होते हैं, आपको जब वो कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं या वो आपको थम्स अप करते हैं, आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो वो आपके सारे के सारे लोग लीड्स कहलाते हैं। फिर लीड्स के आगे कैटेगरीज होती हैं, वार्म लीड्स और कोल्ड लीड्स। वार्म लीड्स वो होती हैं जो कि आपसे बिजनेस के बारे में पूछना शुरू कर देती हैं और इंटरेस्ट शो करती हैं। जो लाइक्स और डिसलाइक्स और कमेंट्स वाले लोग होते हैं वो लोग आपकी कोल्ड लीड्स होते हैं, लेकिन वो सब लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा जी, अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। मेरे पास रिपीटेड ये क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि इस चीज को मैं एड्रेस कर देता हूँ। जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑटोमेटिकली, हमने इस चीज को करना है या कैसे करना है, मैं ऑटोमेटिक पे इसको रखता हूँ फिलहाल। अब इसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड बटन, बटन लेबल। मैं चाहता क्या हूँ? क्या मैं चाहता हूँ लोग मुझे मैसेज करें? क्या मैं चाहता हूँ लोग मेरी वेबसाइट पे आए या मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें या सिर्फ लाइक डिसलाइक करें? ये बटन इस चीज को डिसाइड करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने नॉवेज के सेट की ऑप्शन लगाई है, यहाँ पे बुक नाउ की ऑप्शन पे मैंने बटन को ऐड कर दिया। जरा देखिएगा मैं बुक नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये जो मेरी पोस्ट है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये बटन ऐड हो जाएगा बुक नाउ का, ठीक हो गया। जब ये पोस्ट मैं बूस्ट करूंगा ना, पोस्ट के नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा बुक नाउ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन शॉप नाउ। शॉप नाउ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वेबसाइट और लिंक चाहिए होता है, ठीक है, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसके ऊपर जाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सेंड मैसेज पे क्लिक किया, जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास वो एरर आना भी बंद हो गया है और ये देखिएगा ये ऑप्शन प्रोमिनेंट हो गई है। आई होप आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, अगर नहीं नजर आ रही मैं आपको भी दिखाता हूँ इसको जरा हाईलाइट करके कि ये कहाँ पे अपडेट हो गई है, सेंड मैसेज की ऑप्शन। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है और जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये ऐड हो गई है, ठीक हो गया। अब जब ये किसी को मेरी पोस्ट पहुंचेगी ना, सेंड मैसेज की ऑप्शन आएगी और ये सेंड मैसेज मैं अपने फेसबुक पे भी करवा सकता हूँ, इसके अंदर मैं व्हाट्सएप का नंबर भी ऐड कर सकता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स। इसके बाद कॉल नाउ की भी ऑप्शन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। इट डिपेंड्स कि फोन नंबर मैं ऐड करूं, यहाँ पे कॉल नाउ आ गया, ठीक है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन अगर करूं तो हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस की कैटेगरी आ रही है, स्पेशल कैटेगरी भी आ रही है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे ऑडियंस की बात करने के लिए जा रहे हैं। मैंने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, मैंने किन लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, मैं क्या चीज हासिल करना चाह रहा हूँ, उसके मुताबिक अपनी टारगेट ऑडियंस को आप सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑडियंस की डिटेल्स को सेलेक्ट करना चाहें, जरा देखिएगा यहाँ पे आ रहा है कि मैन वुमेन किसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं वुमेन को टारगेट करना चाह रहा हूँ। आप कौन सी एज की वुमेन को टारगेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी रेंज आपने सेलेक्ट करनी है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 32 साल से 48 साल तक लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद मैंने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब ये लोकेशन के अंदर अगर तो मैं कंज्यूमर ढूंढ रहा हूँ तो मैं उन एरियाज को टारगेट करूंगा जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो कि इन चीजों को आराम से हासिल कर सके, जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो कि माइग्रेटेड हैं, दूसरे कंट्री से आए हैं, या अमीर लोग रहते हैं या कंज्यूमर हैं जो कि ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे एरिया को टारगेट करूंगा जहां पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं हमारी हाई प्राइस की स्किन केयर रूटीन को भी, या फ्रेग्रेंसीज अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने जुडानी गोल्ड सैंजिया करना है टारगेट, तो मैं उसको कर रहा हूँ कहाँ पे, जो कि हमारे पास अमीर लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। मैं अभी सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट की प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करनी है, दैट कैन बी फॉर एनीवन, वो किसी के लिए भी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट तबके यूज करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अलग ऑप्शन है, डिफरेंट एज की वुमेन के लिए अलग ऑप्शन है। अभी मैं बात कर रहा हूँ अपनी एक जो डानी गोल्ड सैंजिया की, जैसे जो हमारी फ्रेग्रेंसेस की रेंज है उसकी, या हमारे कोई भी स्किन केयर के रूटीन के सेट है उनकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैं टारगेट करूंगा इस्लामाबाद का सेक्टर कौन सा, मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ तो मैं इस्लामाबाद को टारगेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करूंगा जी। सबसे पहले मैं लिखूंगा इस्लामाबाद, पाकिस्तान, बल्कि इसको पाकिस्तान से सिलेक्ट करना चाहिए आपको। बेसिकली स्टार्टेड विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहले लिखा, फिर आपने इस्लामाबाद किया, ठीक है, फिर आपने F7 सेक्टर है, आपने उसको टारगेट कर दिया, ठीक है। अब F7 मैंने कर दिया, देखिएगा यहाँ पर टस्कनी कोर्ट यार्ड आ गया, ये इस्लामाबाद का मरकज आ गया जी, मैंने मरकज को सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखिएगा ऑटोमेटिकली ये जो गूगल है मुझे इस्लामाबाद मरकज पे ले आया। अब यहाँ पे मैं तो कर रहा हूँ 4-5 हजार लोगों को या 20 हजार लोगों को टारगेट, आबादी तो बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो एरिया फोकस कर सकता हूँ। जरा देखिएगा ये फोकस होना शुरू हो गया एरिया जहाँ पे मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे F7 देख रहा हूँ कि F7 कहाँ पे है जी, F7 कहाँ पे है। F11 हमारे पास आ गया जी, F7, I8, G4 हमारे पास आ गया, बहरिया की साइड आ गई। थोड़ा सा और इसको जूम इन करके देखते हैं, हमारे पास सेक्टर्स पूरे नजर नहीं आ रहे। E7 आ गया, F10 आ गया, G7 के साथ यहीं पे कहीं पे F7 आता, थोड़ा सा और जूम इन करके देखते हैं, और ये हमें F7 का एरिया नजर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ये पिन को पकड़ता हूँ और यहाँ पे आगे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने अपनी पिन को ड्रॉप कर दिया, ये रेडियस है मैंने सेलेक्ट कर लिया है जहाँ पे मैं अपने लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद ये कितने लोगों को ऐड देना है, ये सारी चीजें हम आगे चल के डिसाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि पोटेंशियली यहाँ पे तकरीबन इतने लोग मौजूद हैं आपके पास, 3,80,000 से ज्यादा लोग हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ऑडियंस आपने डिफाइन की हुई है, मैंने ऑडियंस को यहाँ पे सेव कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे वैसे मैं डिटेल टारगेटिंग और भी ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो उनसे ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मैं किसको करना चाह रहा हूँ, किसके थ्रू करना चाह रहा हूँ, मेरे 2-3 पेजेस बने हुए हैं। FBC मेरे पास एक पेज बना हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया कि इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगी, ठीक है। मेरे पास ऑडियंस है ऑलरेडी, इसका मैंने नाम रख लिया, और इसके बाद क्रिएट न्यू करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। कितने दिन मैंने टारगेट करना है, कितने दिन तक इस एरिया में लोग जो फेसबुक यूज कर रहे हैं वो मेरा एड देख सकें। यहाँ पे 4 दिन 5 दिन 2 दिन मैं कर सकता हूँ। कितने दिन का कैंपेन है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो कब खत्म हो रहा है, 18 को खत्म करना है, 19 को करना है, 20 को करना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने पेमेंट कैसे करनी है वो बात की बात है, वो आप लोग उसको देख रहे होंगे ज्यादा, क्योंकि मैं आपको वो चीज नहीं दिखा सकता। ये देखिएगा, अगर मैं लेस से 900 रुपया करता हूँ, ठीक है, अपना एस्टीमेट लगाता हूँ 900 रुपीज का, तकरीबन 750 से लेके 2000 लोग डेली बेसिस पे इसको देखेंगे ऐड को मेरे, जो मैं ऐड पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया, बूस्ट कर रहा हूँ, जो मैं पोस्ट बूस्ट कर रहा हूँ फिलहाल। इसके बाद फेसबुक मैसेंजर इंस्टाग्राम प्लेसमेंट आपने इसकी कहाँ पे करनी है, यू कैन डू वट एवर यू लाइक, आप जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहे वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स की ऑप्शन भी इसके दौरान शुरू हो गया। फिर इसके बाद आपने पेमेंट मेथड आ गया, और यहाँ पे जाके मैं रुक जाऊंगा ऐड पेमेंट मेथड पे। आप अपना कार्ड यूज करते हैं, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी, आप इसको करना चाहे, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। अगर आप बात करते हैं हजारों लोगों को टारगेट करने की, राइट वे में करते हैं, यकीन कीजिएगा स्काई इज द लिमिट। 4.25 करोड़ यूजर है फेसबुक का एक्टिव है, तो ठीक है। ये मैं इसको कैंसिल करने लगा हूं अब, क्योंकि एक टाइम ये आ गया था कि मैं इस ऑप्शन पे भी नहीं जा सक रहा था लोगों को दिखा दिखा के, तो लिहाजा मैं इसको अब कर रहा हूँ, और मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया फिलहाल, तो मेरी ये पोस्ट बूस्ट हो ही नहीं सकती थी, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग जो कि आपको हेल्प कर सकती है। आई होप कि आपने इस ऑप्शन को देखा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आप लोग एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, ठीक है जी, आप फेसबुक को लर्न करें, फेसबुक पे किस तरह अपने बिजनेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ये देखिएगा जी, फेसबुक ब्लूप्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये है ही बिजनेस की बात, एडवर्टाइज कैसे करना है। ये देखें जी, उसकी ट्रेनिंग है यहाँ पे, मैं आपको ये सारी की सारी चीजें, अच्छा समथिंग वेंट रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे अवेलेबल है जी। फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन पे क्लिक करके देखते हैं, ये देखिएगा जी, ये आपने फेसबुक फॉर बिजनेस है, इसके अंदर फ्री ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। ये देखिए सॉल्यूशंस हैं, इनसाइट्स हैं, लर्निंग की ऑप्शन है, सर्टिफिकेशंस, यहाँ पे आपको ऑनलाइन लर्निंग मिल रही है, ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, एस्टैब्लिश योर प्रेजेंस, बिल्ड रिलेशनशिप, ऑप्टिमाइज एफर्ट्स। ये ट्रेनिंग्स आप इनकी अटेंड करें, आपको स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हम ओरिफ्लेम एकेडमी से में भी आपके फेसबुक की चीजों को कवर कर रहे होते हैं, आपको एडवांस ट्रेनिंग्स भी इसके ऊपर दे रहे हैं। ये ऑप्शंस आपको हम सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये ऑप्शन चेंज होती रहती हैं, फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते रहती हैं, ठीक है। हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते, लेकिन आपको हम गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फेसबुक ब्लूप्रिंट को सर्च करें, facebook.com बिजनेस लर्निंग सर्टिफिकेशन पे क्लिक करें। आपको बिजनेस आपने कैसे एक्सपैंड करना है, वंस आपको ये चीजें समझ आ गई देन स्काई इज द लिमिट। आप यकीन कीजिएगा, आप ये बेसिक रूल्स फॉलो कर लें, थोड़ा सा अपनी जात पे काम कर लें, उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली रास्ते खुलने शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली आपको चीजों का पता चलना शुरू हो जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। जी, मोस्टली क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं अभी तक वो मोस्टली एड्रेस हो चुके हैं मैं आपके। ठीक है, विजिबिलिटी के लिहाज से था। ठीक है, ये हमारे पास, हाँ जी, आपके मोस्टली क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे एड्रेस हो चुके हैं। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अच्छा, ये कैंपेन के हवाले से है। देखिए कैंपेन क्या होता है। कैंपेन एक, आप समझ लें कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है उसको हम कैंपेन कहते हैं, किसी भी चीज को आप अचीव करना चाह रहे होते हैं। और अगर आप फेसबुक कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, ये सारी प्रमोशंस, ये सारे के सारे एडवर्टीजमेंट, ये जो आप एक कैंपेन रन कर रहे होते हैं सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए, जो आप एक्शन ले रहे होते हैं उसे हम कैंपेन कहते हैं। फेसबुक के ऊपर इसको फेसबुक कैंपेन कहते हैं। क्लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों का और कोई क्विक क्वेश्चन है यू कैन आस्क अबाउट इट। जी, फिर मेरे पास एक आया जी, हाउ इट विल लिंक टू इंस्टाग्राम। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है। फेसबुक, आप समझ लें कि इंस्टाग्राम फेसबुक की सब्सिडियरी है, एक किस्म की लिंक्ड है। आप जब अपना सुबह वाली ऑप्शन जो मैं आपको दिखा रहा था अबाउट सेक्शन के अंदर एडवांस के ऑप्शन के अंदर आप अपने फेसबुक को लिंक कर सकते हैं, इवन कि अपने व्हाट्सएप के साथ भी। आप समझ रहे हैं, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एज वेल। आप अपने सारे अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल को भी लिंक कर सकते हैं अपने फेसबुक के साथ। अच्छा जी, द वीडियोज एंड द पिक्चर्स दैट वी यूज इन द पोस्ट यू सेड। अच्छा, एक सेकंड, ये थोड़े से मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो मेरे से क्वेश्चन मिस हो जाता है, मैं अभी देख ही रहा होता हूँ। The videos and the pictures that we use in the post, you said not to use them from other sites and pages. Then from where we can get them? And are there any copyright issues like on Google? मैम जीहा, आपने अपनी पोस्ट बनानी है, आप समझ रहे हैं, आपको खुद डिजाइन करना है इस चीज को। मैं आपको डिजाइन करने का तरीका भी सिखा सकते हैं, हम उसके ऊपर भी ट्रेनिंग जोन सी आपको दे रहे होते हैं। आपके पास मल्टीपल जोन सी ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं। देखिए, एक अगर आपने अपनी लाइव वीडियो या आपने अगर किसी अपने कंज्यूमर का क्लिप ब्रॉडकास्ट करना है, आप उसको ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी वेबसाइट से सामान उठाने की या कोई कंटेंट उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिंपली खुद कंटेंट को डेवलप करना है, अपना ओरिजिनल कंटेंट। इससे आपका ब्रांड इमेज बनेगा, फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ठीक है जी, और बिल्कुल कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं बहुत सारी वेबसाइट से जो कि आपके पेज को डुप्लीकेशन में लेके जा सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने कल के सेशन के अंदर आपको स्क्रीन शेयर करना सिखा दिया कि जूम के ऊपर आप कैसे अपने सेशंस को लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, लेकिन उसके लिए आपको जूम का प्रो वर्जन चाहिए होता है। स्क्रीन शेयर करने के लिए आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक OBS के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्क्रीन शेयर करने के लिए। OBS के नाम से सर्च कीजिएगा। OBS अगर आप सर्च करेंगे, जैसे अगर आप गूगल पे जाते हैं, सिंपली वहां पे सर्च इंजन में आप लिखें OBS। ठीक है जी, OBS का मतलब होता है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी अपने लाइव सेशंस के अंदर। बताने का मकसद आपको यह है कि आपको इन चीजों पे ना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब मेरे पास भी हर चीज की स्पेशलिटी नहीं है, आई कैन गिव यू फ्यू टिप्स, लेकिन आप इससे बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं क्योंकि आपका ये काम है ना, बिजनेस आपका है। आई कैन जस्ट हैंड होल्ड यू, आई कैन गाइड यू। काम आपने करना है और आपका स्किल लेवल वो होना चाहिए कि आप मुझे आगे चीजें बता रहे हो, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर रहा, ये काम आपने करना है। योर ब्रांड पार्टनर। पेमेंट करते हैं तो इसकी ऐड हो जाती है, कंपनी जो खुद बनाती है या ऐड, या फिर तैयार करते हुए ऐड हम खुद, आप खुद ऐड करते हैं। आपको पेमेंट किसी को करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ नहीं, आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है? यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग राइट नाउ। पहले चीजें सीखें, जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जब आप अर्न करेंगे तो फिर आप इन्वेस्ट करें ना, आपको अपनी जेब से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इफे मेरे पास आया जी, जब भी मैं बूस्ट करती हूँ पोस्ट को, मैं जब पेमेंट मेथड पर आती हूँ तो डेबिट कार्ड नो एंट्री कर देता है। जी बिल्कुल, आप देखें इसके अंदर मुख्तलिफ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं जो कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपको उनको बैंक से कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एक्टिव करना पड़ता है, इंटरनेट बैंकिंग को मैन्युअली एक्टिव करना पड़ता है उनको कॉल करके, फिर आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज नॉर्मली इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड यूज हो रहे होते हैं। सर पिक्चर्स भी ना लें और योर फेसबुक पेजेस से, जो कि पेस्ट कुछ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप हैं ब्रांड, आपका अपना एक टोन है, आपका अपना एक स्वैग है, आपका स्टाइल है एक, आपने उसके ऊपर काम करना है, आपने लोगों को अपने अपने इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस देना है। आपने वहां पर मुख्तलिफ लोगों की पोस्टें उठा के डाल देंगे, आपको आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। आपको रिजल्ट ही तब मिलता है जब आप अपना इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, वो तब होता है जब आपकी पोस्ट एक्सक्लूसिव हो, यानी कि आपके पास कॉपीराइट है उसका। ठीक है जी, अच्छा आप मेरे पास जोन से हैं, किस लेवल से बूस्टिंग करनी चाहिए? मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये लास्ट टू क्वेश्चन है जो कि मैं एड्रेस कर रहा हूँ, अगर किसी का अनएड्रेस रह जाएगा, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। कोई ऐसा सच मेरा इंटेंशन नहीं है कि जो कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ना करूं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन रिपीटेड है मोर और लेस ना। बूस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? सबसे पहला फेज ये है मैम नाइला कि आपने अपने कंटेंट प्लान बनाना है, बेसिक्स पूरी करनी है, फिर अपने पेज को रनिंग में लाना है, फिर आपने कम से कम पैसों में, जब आपका पेज रनिंग में आ जाता है, कम से कम पैसों में आपने अपना पेज प्रमोट करना है, बूस्ट करना है और एडवर्टाइज करना है। कम से कम लोएस्ट, स्टार्ट विद द लोएस्ट कॉस्ट, ये हाईली सजेस्टेड है ताकि आप चीजें सीखें और ऑब्जेक्टिव माइंड में रख के आप कीजिएगा जी। ठीक है जी, और दूसरा ये आ गया कि दूसरा क्वेश्चन मेरे पास जो था वो ये है कि सर करेंसी कैसे चूज करते हैं? आपके पास नीचे सिलेक्ट ऑप्शन मेथड आ रहा है, पेमेंट मेथड सिलेक्शन की ऑप्शन आ रही है, वहां से आप करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई गॉट इट। अच्छा ये एक मेरे पास लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि आंसर में लिखा हुआ है, अब्दुल हादी साहब ने पूछा हुआ है, लेकिन सर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा। अब मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए हैं, कमेंट्स मेरे पास काफी ज्यादा आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स, आपके काइंड कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि जॉन साहब वो मुझे आप जॉन साहब वो पढ़ने में दुश्वारी आ रही है। कैन वी कॉपी इमेज फ्रॉम ओरिफ्लेम वेबसाइट? नहीं जी, आपको कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओरिफ्लेम सोशल मीडिया लाइब्रेरी में जाएं, वहां से आप हाई डेफिशिएंसी इमेज उठाएं और उसको शेयर कर दें। ठीक है, कॉपीराइट इमेज आपको हमारी कंपनी का भी नहीं, आप यूज किसी का भी नहीं यूज कर सकते, आप कॉपीराइट आपका अपना नुकसान है उसके। ठीक है जी, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस का। अपना ख्याल रखिएगा और आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग के बाद कभी दोबारा यह ट्रेनिंग नहीं होगी। अपने क्वेश्चंस आप होल्ड पे रखें, अपने क्वेश्चंस पूछते रहें और जब आपको मौका मिलेगा आप इसके हवाले से काम करके चीजें खुद भी एक्सप्लोर करें। फेसबुक ब्लूप्रिंट आपने एक्सप्लोर करना है और आपने नई चीजें आगे मुझे बतानी है। इंस्टाइट के मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझे बतानी है नई चीजें कि सर ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका ट्रेनिंग में आने का। फी मानिला जी, अल्लाह हाफिज।